दोस्तों वेल्सपन इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने बायबैक की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को रिलीज़ कर दिया है तो चलिए हम लोग अब इस बायबैक के बारे में जानते हैं और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि इस बायबैक का क्या इंडिकेटिव इंटरटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है और इस बायबैक की क्या टाइमलाइंस हैं मैंने इस बायबैक पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है आप इस बायबैक की पूरी जानकारी के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों इस बायबैक में कंपनी एक करोड़ सत्रह लाख पचास हज़ार फुली पेड़ अप इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल इक्विटी शेयर का सेवन पॉइंट एट थ्री फोर परसेंट है इस बायबैक का प्राइस दो सौ रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है और अगर हम लोग इस दो सौ पर इक्विटी शेयर जो इस बायबैक का प्राइस है इसे इस बायबैक की इंटीमेशन डेट जो सत्ताईस दिसंबर दो है इसकी क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें तो ये 24% परसेंट के प्रीमियम पर था 27 दिसंबर 2022 को लेकिन अगर हम लोग इस बायबैक के प्राइस को इस शेयर के फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस जो एक सौ के आसपास है इससे कंपेयर करें तो अभी ये बायबैक उनचास के प्रीमियम पर है क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी शेयर मार्केट में थोड़ी गिरावट चल रही है तो शेयर मार्केट की गिरावट के साथ साथ इस शेयर का प्राइस भी गिरा है इस बायबैक का साइज 235 करोड़ रुपए का है और कंपनी ये बायबैक प्रोपोर्शनेट बेसिस पर टेंडर ऑफर रूट से कर रही है तो आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने शेयर्स को टेंडर करने होंगे दोस्तों इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2023 थी तो 13 फरवरी 2023 को आपके पास जितने शेयर होंगे वो शेयर्स इस बायबैक के लिए इंटाइटल या एलिजिबल होंगे दोस्तों चूंकि ये बाय बैक टेंडर ऑफर रूट से किया जा रहा है तो इस बाय में दो कैटेगरीज होती हैं पहली है रिज़र्व कैटेगरी और दूसरी है जनरल कैटेगरी रिज़र्व कैटेगरी में स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं और अदर देन स्मॉल शेयर होल्डर्स जनरल कैटेगरी में आते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर दो लाख या दो लाख से कम की होती है और ऐसे शेयर होल्डर जिनकी शेयर की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर दो लाख रुपए से ज़्यादा की होगी वो जनरल कैटेगरी में आएंगे दो लाख में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड डेट की क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं जिस स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी तो रिकॉर्ड डेट पर एन में इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी और रिकॉर्ड डेट पर एन पर इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस स रुपये सत्तर पैसे था तो अगर हम लोग एक सौ रुपये सत्तर पैसे को कंसिडर करें तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के एक या उससे कम शेयर थे वो स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आएंगे और वो रिजर्व कैटेगरी में होंगे और ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के एक से ज़्यादा शेयर्स होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे और अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को बेस मान लें तो रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी में उनसठ स्मॉल शेयर होल्डर्स थे और उनके पास तिरानवे लाख सोलह हजार चार सौ इकसठ इक्विटी शेयर्स थे और ये तिरानवे लाख सोलह हजार चार सौ इकसठ इक्विटी शेयर्स टोटल पेडअप इक्विटी शेयर्स का 6.21 परसेंट है और जितने शेयर्स की बायबैक करनी है मतलब एक करोड़ सत्रह लाख पचास हज़ार इक्विटी शेयर्स का सेवेंटी नाइन पॉइंट टू नाइन परसेंट है दोस्तों स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए जितने शेयर्स की बायबैक करनी है उसका पंद्रह परसेंट कि एक करोड़ सत्रह लाख पचास हज़ार का पंद्रह परसेंट जो सत्रह लाख बासठ हज़ार पाँच सौ इक्विटी शेयर्स होते हैं वो रिज़र्व रहेंगे और जो बाकी बचे हुए निन्यानवे लाख सत्तासी हज़ार पाँच सौ शेयर होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो दोस्तों सत्रह लाख बासठ हजार पाँच सौ इक्विटी शेयर्स स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे अगर हम लोग सारे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स को कंसिडर कर लें तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है वो है सेवन इज टू थर्टी सेवन तो अगर आप अपने सैंतीस इक्विटी शेयर्स को टेंडर करते हैं तो उनमें से सात इक्विटी शेयर्स की बाय की जाएगी और अगर हम लोग इसे परसेंटेज में देखें तो ये 18.9 परसेंट होता है तो ये लगभग 19 परसेंट है और जनरल कैटेगरी का जो इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है वो है वन इज़ टू फोटीन तो जनरल कैटेगरी में अगर आप अपने 14 इक्विटी शेयर्स की को टेंडर करेंगे तो उनमें से आपके एक इक्विटी एक शेयर्स की बाईबैक की जाएगी और अगर हम लोग इसे परसेंट में देखें तो ये सेवन है दोस्तों ये एक इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो है आपकी कितने शेयर की बायबैक की जाएगी ये टोटली डिपेंड करता है इस बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो पर और अगर शेयर्स कम टेंडर किए गए तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा और आपके ज़्यादा शेयर्स की भी बायबैक की जा सकती है इस बायबैक के इंटाइटलमेंट की कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल शेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा और अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के पाँच या पाँच से कम इक्विटी शेयर्स होंगे तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी ज़ीरो लेकिन आप एडिशनल इक्विटी शेयर को टेंडर कर सकते हैं और अगर आप एडिशनल इक्विटी शेयर को टेंडर करते हैं तो कंपनी कम से कम एक इक्विटी शेयर की बायबैक की प्रेफरेंस देगी दोस्तों अब चलिए मैं आपको इस बायबैक की पूरी टाइमलाइन बताता हूँ इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2023 थी और यह बायबैक 16 मार्च 2023 को ओपन होगा और यह बायबैक 31 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा यानी कि आप अपने शेयर को 31 मार्च 2023 तक टेंडर कर पाएंगे तो टेंडर की डेट 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 है इसके बाद आप अपने शेयर को टेंडर नहीं कर पाएंगे लास्ट डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिड्स 13 अप्रैल 2023 है यानी कि अगर आपके शेयर्स की बायबैक हो जाती है तो कंसिडरेशन को तेरह अप्रैल दो तक पे कर दिया जाएगा और जितने शेयर्स की बायबैक होगी उसे 20 अप्रैल 2023 तक एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा दोस्तों इस बायबैक के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं और इनकी वेबसाइट है www.linkintime.co.in और इस बायबैक के मैनेजर डी ए एम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सरल भाषा में सारी बातों को समझ पाए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके बहुत बहुत धन्यवाद